और पोषण को भी समृद्ध करता है और इससे मनुष्य का उन्नयन होता है। ये WHO ने परिभाषा दी शिक्षा की। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हम अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ आए हैं, जुड़े हैं और ये स्कूल ये कार्यक्रम कर रहा है। समुदाय की सहभागिता से विद्यालयों का स्थापन और शिक्षा की बुनियाद बच्चों में स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है तो वास्तव में सराहनीय है। हम अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, उस संस्कृति की ओर जो नालंदा और अभी चर्चा भी हुई, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसके कारण हम गौरवान्वित होते रहे हैं और विश्व के बच्चे इस भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते रहे हैं। लेकिन हम क्या थे और क्या हो गए, ये वास्तव में दर्दनाक है और जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा उसको वास्तव में कष्ट होगा इस बात से कि जहाँ पूरे विश्व के बच्चे, जो भारत हमारा अगुआ था, पथ प्रदर्शक था, गुरुओं के मामले में जाना जाता था, जहाँ चाणक्य जैसे गुरु और चंद्रगुप्त जैसे शिष्य हुए, उस भारत भूमि के बच्चे अब बाहर जा रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ये वास्तव में बहुत दुखद है कि अभिभावक इससे खुश होते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमारा बच्चा विदेश पढ़ने गया, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया है और हम विदेश में रहना इज्जत की बात मानते हैं, तो हम कहाँ पहुँच गए। ये वास्तव में बहुत दुखद है और जिसकी चर्चाएँ हो रही है और इसके लिए जवाबदेह कौन है, भैरव जी ने काफ़ी चर्चा इस पर की है कि जब शिक्षा की बात हम करते हैं तो शिक्षा का उपभोक्ता कौन है, वो बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो माता पिता जो बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं और बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उन पर खर्च कर रहे हैं, सरकार जो शिक्षक रख रहे हैं, कौन है इसका उपभोक्ता और कौन तय करेगा शिक्षा का। तो हम लोग ये त्रिकोण की बात करते हैं हमेशा कि सरकार, समुदाय और बच्चा, ये तीनों उस शिक्षा व्यवस्था में शामिल है। दो तो व्यवस्थापक है और एक क्लाइंटेल उपभोक्ता है, हम जो मानते हैं। तो आखिर शिक्षा, कौन सी शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। अभी अपनी संस्कृति की काफ़ी चर्चा हुई, उपनयन संस्कार की बात हुई और अभी भी जो उपनयन करते होंगे जिसको हम जनेऊ भी कहते हैं, उस समय हम देखते हैं कि वो जो मंडप बनाया जाता है बरवा, वहाँ पे भले ही वो बच्चा बाहर भिक्षाटन करने ना जाए लेकिन वहाँ अभी तक वही परंपरा चल रही है। वो छतरी लेकर चार दिशाओं में घूमते हैं और कहाँ जा रहे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने, ये प्रश्न पूछा जाता है, बच्चा जवाब देता है। तो ये एक तरह से हम नाटक कर, नाटक ही मानेंगे ना इसको, ये ढोंग कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति की नकल कर रहे हैं सिर्फ, जो उसमें चीज़ें थी वो तो हमारी चली गई, हम सीधे उसको एक परंपरा के रूप में ढो रहे हैं जबकि वास्तव में परंपरा का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो करने की आवश्यकता है, कैसे होगा और कैसी शिक्षा और कौन सी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी, ये वास्तव में एक मंथन का विषय है और सामाजिक सरोकार का विषय है और इस पर साझी समझ बनाने की जरूरत है। और जब तक समुदाय, सरकार जिसको हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जीओ और एनजीओ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सारे मिलकर इसके लिए एक अभियान के रूप में इसको नहीं लेंगे, हम जो चाहते हैं शायद उसे प्राप्त करने में कठिनाई होगी क्योंकि ये किसी एक का सरोकार नहीं हो सकता। अभी चर्चा की गई पाठ्यक्रम की, तो अगर हम लोगों ने, हमें से बहुत कम लोग पाठ्यचर्या को देखे होते हैं, कैरिकुलम, और उसका एक हिस्सा पाठ्यक्रम है, छोटा सा हिस्सा, तो हम कंसंट्रेट कर जाते हैं पाठ्यक्रम पे और अधिकांश शिक्षक, और इसमें पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात जो हम कहते हैं, वहाँ तो स्थिति और भी खराब है, वो तो और नहीं जान रहे कि पाठ्यचर्या क्या है।
एक सिलेबस रखा होता है पाठ्यक्रम, उस पर आधारित पुस्तकें हैं, और ज़्यादातर विद्यालयों में वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, पब्लिक स्कूल्स हो, उसी के आधार पे वो शिक्षा दीक्षा का कार्य अधिकांश विद्यालयों, दिल्ली एक दो विद्यालय हैं जो बच्चों के जो गिनती फैमिली पे हैं, जो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का, उस पर ध्यान देते हैं, ऐसे बहुत कम विद्यालय।